अनुभव से इस बात को देख सकते हैं कि जिस तरह की बहसें हम देश में इस समय रोजगार के ऊपर देख रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें, मैं असंगठित क्षेत्र में उसके तुरंत बाद जाऊंगा, अगर आप देखें तो एक हमारे भी सरकार है जो कह रही है कि अकेली योजना मुद्रा से वो साल में 1 करोड़ नौकरियां पैदा कर रही है, और वो कह रही है कि जो भी उसने रोजगार के क्षेत्र में जो भी कहा था वो करके दिखाया है। लेकिन उसके बावजूद उसका वित्त मंत्री ये कह रहा है कि जो दो प्रमुख समस्याएं इस समय देश के सामने हैं उनमें से एक बेरोजगारी है। तो अगर रोजगार जिस तेजी से बढ़ रहा है तो बेरोजगारी इतनी प्रमुख समस्या क्यों बनी हुई है, ये समझाने का जो जिम्मा है वो भी उसी सरकार के ऊपर है और उसी वित्त मंत्री के ऊपर है। सरकार कहती है कि रोजगार के आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन वही सरकार ये कहती है कि रोजगार मुद्रा में देख लीजिए हमने कितने लोन बांटे, स्कीम में देख लीजिए हमने क्या किया। तो रोजगार तो बहुत अच्छा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वही सरकार, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, 1912 के बाद से रोजगार के आंकड़ों को प्रकाशित नहीं होने देना चाह रही है, उनको सार्वजनिक नहीं होने देना चाह रही है। आपने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा होगा कि 2016-17 का लेबर ब्यूरो का जो अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे था वो बहुत पहले ही उसको अंतिम रूप दिया जा चुका था, लेकिन वो सर्वे आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। लेबर ब्यूरो के किसी अधिकारी ने, भाई पाल जी के कोई जूनियर रहे होंगे या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के, उन्होंने उसको किसी अखबार वाले को, अखबार नवीस को दिया, उसने कुछ निष्कर्ष उसके से छापे। नेशनल सैंपल सर्वे एक नया सर्वेक्षण 2017-18 में उसने किया एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पर, वो सर्वे 25 दिसंबर को नवंबर को स्टैंडिंग कमिटी ऑफ लेबर ने अप्रूव कर दिया था। 5 दिसंबर को उस सर्वे को नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन ने उसको अप्रूव कर दिया था। 5 दिसंबर को नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरपर्सन ने उस रिपोर्ट को अपने नीचे 2 फ्लोर नीचे उसी सरदार पटेल भवन में सचिव के पास भेजा कि अब ये 15 दिसंबर की तिथि होती है जब वो ये जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक होना चाहिए। 2 दिन पहले मैंने उनसे पूछा कि भाई उस रिपोर्ट का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मेरी तो ईमेल का कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सेक्रेटरी मेरी ईमेल का जवाब नहीं दे रहा है। अब मैं आ रहा हूं दिल्ली 4-6 दिन में, मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि ये उस रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये आंकड़ों का हाल है जब हम और ये स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेबर में जो मेरे मित्र गए थे वो ये बता रहे हैं, जैसा अमोद जी ने कहा, अमोद के कन्वीनर जी ने कहा कि बेरोजगारी, उसमें ये बेरोजगारी का कोई अच्छा माप इस देश में नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी, रोजगार जो लोग करते हैं वो आज रोजगार में है कल बेरोजगार है। कृषि में किस तरह से आप रोजगार नापोगे नहीं नापोगे, लेकिन जो भी हमारे पास माप है वो दिखा रहे हैं कि इस समय बेरोजगारी उस रिपोर्ट के हिसाब से, जैसा आपने भी बताया, 7% के ऊपर है, और शिक्षित बेरोजगारों में इस समय बेरोजगारी 18-20% है, शिक्षित महिलाओं में इस समय बेरोजगारी 28-30% के करीब है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम बेरोजगारी और हम जब यूथ के बारे में बात करते हैं, नवयुवकों के बारे में बात करते हैं, नवयुवतियों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे देश में जो बेरोजगारी की दर है वो उन लोगों में ज्यादा है जो शिक्षित ज्यादा है। उसका कारण है कि जो शिक्षित होते हैं उनकी अपेक्षाएं होती हैं, और उन अपेक्षाओं पर जो उनको बाजार में जिस तरह का उनको काम मिलता है तो मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो जिस तरह का काम मिलता है उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, तो वो बेरोजगार एक लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन वस्तुतः इस देश में जो गरीब है वो उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, वो किसी भी परिस्थिति में काम करे, वो काम करे, उसका बच्चा काम करे, जैसे आपने कहा था उसकी महिला काम करे, लेकिन उसको कुछ ना कुछ अपने अपने पेट में कुछ डालने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, तो आंकड़ों में वो बेरोजगार नहीं बनता है। हमारे देश में जो प्रमुख समस्या है वो बेरोजगारी की, उस तरह की खुली बेरोजगारी की समस्या नहीं है। हमारे देश में जो प्रमुख समस्या है वो गरीब बेरोजगारों की समस्या है, सॉरी गरीब कर्करों की समस्या है,
उन लोगों की समस्या जो असल में 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं, जिनके घर में औरतें भी काम कर रही हैं, जिनको अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी उनका पेट नहीं भर रहा है। तो हमारे देश में वस्तुतः समस्या उन गरीब काम करने वालों की समस्या वो ज्यादा गंभीर है बनिस्पत उसके जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं और नौकरी नहीं पा रहे। इसके मतलब ये नहीं कि बेरोजगारी समस्या नहीं है, बेरोजगारी भारी समस्या है और जैसा मैं आपको बताऊंगा वो बेरोजगारी का परिमाण बढ़ रहा है, लेकिन उस बेरोजगारी से भी ज्यादा बड़ी समस्या उन लोगों की है जो काम करते हुए भी पेट नहीं भर पा रहे हैं। और ये लोग कहाँ काम कर रहे हैं? ये उस असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसकी यहाँ बात की जा रही है। अगर हम असंगठित क्षेत्र को समझने की कोशिश करें, एक मोटे तौर पर आप जानते हैं असंगठित क्षेत्र क्या होता है और मोटे तौर पर आप जो पिरामिड का आकार होता है उसके बारे में भी आप जानते हैं, तो हमारे देश में जो हमारी आर्थिक संरचना है वो उस पिरामिड की तरह है। पिरामिड के शिखर पर थोड़ी सी इकाइयां हैं जो संगठित क्षेत्र में आती हैं और उसके 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 जैसे जैसे आप नीचे चले जाएंगे वो इकाइयां हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या बाहर क्षेत्र में हो, जो असंगठित क्षेत्र में आती हैं। मूल रूप से सबसे ज्यादा वो इकाइयां हैं जो बिल्कुल नीचे की ओर आती हैं, जिनमें सिर्फ व्यक्ति जो है या उसका परिवार या वो जो ग्रामीण इकाइयां हैं उनमें काम कर रहा है, शहरी इकाइयां हैं उनमें काम कर रहा है और या मजदूरी कर रहा है। तो पिरामिड के जो नीचे जो है वो सबसे जो गरीब लोग हैं असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो आते हैं। और अगर आप ऊपर से नीचे जाएं और इसकी आप सामाजिक संरचना देखें तो आप ये देखेंगे कि पिरामिड के ऊपर वो लोग हैं जो कि सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य जातियों से आते हैं। जैसे जैसे आप पिरामिड के नीचे जाएंगे वैसे आप देखेंगे कि उन लोगों का अनुपात बढ़ता चला जाता है जो सामाजिक वंचित घटकों से आते हैं और उनमें सिर्फ सामाजिक वंचित घटक मतलब सामाजिक घटक ही नहीं शामिल है, उनमें स्त्रियां भी शामिल हैं, क्योंकि जेंडर एक्सप्लॉयटेशन या जेंडर जो हमारा कंस्ट्रक्शन है लेबर मार्केट का वो इस तरह है कि स्त्रियों के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा अंश मिलता है। तो अगर आप काम की दृष्टि से देखें तो पिरामिड इस तरह का है कि नीचे जो सामाजिक वंचित घटक है वो आते हैं, लेकिन अगर आप पूंजी और संपत्ति की दृष्टि से देखें तो एक इन्वर्टेड पिरामिड हमको मिलता है। सबसे नीचे जो लोग हैं जो सामाजिक रूप से वंचित हैं उनके पास संपत्ति नहीं है, उनके पास भूमि नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे वो जो तनिक से छोटे से थोड़ी छोटी सी श्रेणी है जो आमतौर से सामान्य वर्ग से आती है उनके पास संपत्ति है, उनके पास पूंजी है और उनके पास शिक्षा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो तस्वीर है ये एक स्टैटिक तस्वीर नहीं है, तस्वीर ऐसी नहीं कि एक जगह पर रुकी हुई है, बल्कि हम अगर पिछले 25-30 सालों का ब्यौरा दें जो जिसको हम नव उदारवाद का एक एक, एक, एक हम एक पीरियड कहते हैं, तो हम ये देखेंगे कि संपत्ति का केंद्रीकरण, संपत्ति का एकत्रीकरण और असमानता हमारे समाज में निरंतर बढ़ती चली जा रही है। ये चार पन्ने की पिपल जी ने जिसकी चार पन्ने का जो आपके बीच में जो ये वो आपने जो बनाया हुआ है ब्रीफिंग जो नोट बनाया हुआ है उसमें भी इस बात का जिक्र किया हुआ है कि किस तेजी से जो ऊपर हमारे यहाँ जो पूंजीपतियों का जो अंश है उनके हाथ में पूंजी और संपत्ति का केंद्रीकरण किस तरह से बढ़ा है। हमारे देश में अरबपतियों की जो संख्या है जिस तेजी से हमारे देश में इसमें इजाफा हुआ है पिछले 20-25 सालों में वो शायद किसी और देश में नहीं हुआ, बड़े बड़े देशों में नहीं हुआ है, अमेरिका में नहीं हुआ है, पश्चिमी देशों में नहीं हुआ है। तो ये दोनों चीजें, एक और समाज का वो अंश जो वंचित है और दूसरी ओर समाज का वो अंश जो बहुत थोड़ा सा है लेकिन उसकी जो उसकी पूंजी उसकी आय उसके जिस आय को उसका नियंत्रण है जो बढ़ती चली जा रही है वो ये दोनों एक दूसरे के एक तरीके से मिरर इमेजेस हैं और दोनों को समझना जरूरी है। और इसलिए समझना जरूरी है कि असल में जो हमारी जो अर्थव्यवस्था जिस दिशा में बढ़ती है अर्थव्यवस्था की जो गत्यात्मकता है डायनेमिक्स है वास्तव में ये डिटरमिन जो इनइक्वालिटी है जो असमानता है वो चाहे वो जो नौकरियों को बांटने में असमानता हो चाहे पूंजी में असमानता हो चाहे शिक्षा में असमानता हो ये असमानता वस्तुतः ये भी निर्धारित करती है कि हमारी नौकरियां किस तरह से बढ़ रही है। रोजगार में और इस असमानता में बहुत ही नजदीकी संबंध है।
नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जिक्र किया गया, जिसमें मैं सदस्य था, अर्जुन सिंह गुप्ता जी इसके अध्यक्ष थे। हमने इस बात को दिखाने की कोशिश की कि किस तरह की से असमानता और नौकरियों का अंतरंग संबंध है। जिस देश में जितनी असमानता होगी, उस देश में जिन वस्तुओं का निर्माण होगा वो उन लोगों के लिए होगा, उन लोगों के नहीं होगा जो नीचे के 80% और 90% है, बल्कि उन लोगों के लिए होगा जो टॉप 7% 8% या 10% जो टॉप डिसाइल में आते हैं। और इसलिए वो उनके लिए जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, तकनीकों का इस्तेमाल होगा, वो जिसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं उनका इस्तेमाल होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा। हम अपने देश में अगर देखें तो जितना मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज का अंश बढ़ता चला गया है। हमारे निर्यातों में भी हम अपने लेबर इंटेंसिव निर्यात की बात करते हैं कि हम कपड़े का निर्यात करते हैं और चीजों को, लेकिन तथ्य तो ये है कि हमारे जो लेबर इंटेंसिव निर्यात हैं वो उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे जो निर्यात बढ़ रहे हैं वो जो कैपिटल इंटेंसिव हमारे जो एक्सपोर्टेबल्स हैं, पेट्रोकेमिकल भी है, हम पेट्रोकेमिकल्स का निर्यात करते हैं। रिलायंस की जो सबसे बड़ी पूंजी का अंश है इस समय वो पेट्रोकेमिकल्स में है। तो हम ये कैपिटल इंटेंसिटी कहीं ना कहीं उस असमानता से जुड़ी हुई है और ये कैपिटल इंटेंसिटी रोजगार को बढ़ने से रोकती है। दूसरी बात ये कि हमारी जो हम न्यू लिबरल पॉलिसीज की बात करते हैं, न्यू लिबरल पॉलिसीज की वजह से जो ये जो ग्रोथ की असमानता है, समृद्धि की असमानता है, ये यही नहीं कि ऊपर और नीचे के बीच में असमानता है, लेकिन ये अपने को क्षेत्रीय असमानता के रूप में भी ये अपने को प्रकट करती है। तो आप अगर हम अपने देश में असमानता का चरित्र देखें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ये दिल्ली एनसीआर भी है, और ऑफकोर्स रूटीन दिल्ली तो उस दिल्ली एनसीआर का केंद्र है, जिनमें जो आर्थिक समृद्धि की गति है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द एक बड़ा महासागर है जो गरीबी का है और विपन्नता का है, और उस महासागर में हमारा कृषि का क्षेत्र भी आता है जिसमें विपन्नता बढ़ती जा रही है, जिसमें मैकेनाइजेशन की वजह से नौकरियां कम होती जा रही हैं, जिसमें लोग पलायन करके ये जो छोटे थोड़े थोड़े केंद्र हैं समृद्धि के, इनमें आने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग पलायन करके ग्रामीण क्षेत्रों से या एक राज्य से दूसरे राज्य पलायन करके नौकरियों को ढूंढने आते हैं, मजदूरी को ढूंढने आते हैं, वस्तुतः होता क्या है कि ये इनको अपने राज्यों में जो थोड़ा बहुत सामाजिक संरक्षण या आर्थिक संरक्षण मिलने की संभावना रहती है वो भी उससे वंचित रह जाते हैं, वो भी उन्हें नहीं मिल पाता, ना उनको पीडीएस मिल पाता है, ना उनको आरक्षण की सुविधा रहती है, ना उनके बच्चों को स्कूलों में पढ़ने की वो सुविधा मिल पाती है जो उनको अपने नेटिव स्टेट्स में मिलती है। तो इस पलायन से, इस माइग्रेशन से, जो असमानता से है, जो थोड़ा बहुत एक रक्षा का जो उनको कवच है वो भी नहीं मिल पाता है। तीसरा ये कि जो जिस तरह से नौकरियां, सिर्फ नौकरियों में एम्प्लॉयमेंट की बात हमारे पूर्व वक्ता ने की कि नौकरियों का सिर्फ यही नहीं कि नौकरियों का परिमाण कितना बढ़ रहा है, नौकरियां कितनी बढ़ रही हैं, लेकिन नौकरियों के चरित्र में किस तरह से तब्दीली हो रही है। तो असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र की हम बात करते हैं, वस्तुतः अगर हम देखें तो संगठित क्षेत्र का आकार बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि संगठित क्षेत्र का आकार नहीं बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़े कभी कभी हमको इस बारे में गलत सूचना देते हैं कि नहीं संगठित क्षेत्र में सिर्फ 7% लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। संगठित क्षेत्र में इस समय हमारे आंकड़े दिखाते हैं कि 17-18% नौकरियां संगठित क्षेत्र में हैं, पहले 12-13% नौकरियां थी, 15 साल के अंदर संगठित क्षेत्र में विस्तार हुआ है, लेकिन क्या उन नौकरियों का क्या हुआ है? वो जो नौकरियां संगठित क्षेत्र में बढ़ रही हैं वो असंगठित नौकरियां हैं, वो ठेके की नौकरियां हैं जिनकी बात की गई थी। हर क्षेत्र में इस समय यहाँ पर ज्यादातर लोग, जहां जैसा मुझे लगा, बहुत सारे लोग सरकारी क्षेत्र के हैं जो सरकारी उपक्रमों में काम करते हैं, सरकार में इस समय 45% नौकरियां जो हैं वो ठेके की नौकरियां हैं, अस्थाई नौकरियां हैं, शिक्षण संस्थानों की नौकरियां, जितनी नौकरियां हैं 45% नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में, आपको अंदाज है कितनी नौकरियां हैं इस समय? अस्थाई नौकरियां हैं, ठेके की नौकरियां हैं, असंगठित नौकरियां हैं। 80% मजदूर इस समय जो संगठित क्षेत्र में है उनके पास इस समय इस तरह की अस्थाई नौकरियां हैं। तो संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन संगठित क्षेत्र में जिन नौकरियों की हम अपेक्षा करते हैं, जिस तरह के काम की हम अपेक्षा करते हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं। वो जो काम बढ़ रहे हैं वो हैं जो असुरक्षित
प्रकार के काम हैं जिनमें लोगों को आज रखा जा सकता है, कल निकाला जा सकता है, उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, और उसका अंजाम क्या हो रहा है। मैं अपने शहर में देखता हूँ, मैं इलाहाबाद में आ रहा हूँ, कि सफाई कर्मचारियों का एक पूरा जेनरेशन था जो नगर निगम में काम करता था, सरकारी नौकरियां थी नगर निगम की, उनको सरकारी नौकरियां के हिसाब से उनको तनख्वाहें मिलती थी। आज उनके बच्चे जो 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 प्राइवेट कॉर्पोरेशन हैं, जिन्हें आजकल सफाई का ठेका दे दिया गया है, उनमें दैनिक मजदूरों के तौर पर काम कर रहे हैं और उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही हैं। ये जो परिवर्तन देश में हो रहे हैं कि कुल नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियां कम होती चली जा रही हैं, जिन क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ रही हैं वे एक खास प्रकार की नौकरियां और नौकरियां हैं। इस सब का अंजाम ये कि नौकरियों का परिमाण और चरित्र, जॉब्स का कैरेक्टर और जॉब्स की क्वांटिटी, दोनों इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि वो असमानता को बढ़ा रहे हैं, लोगों की जिंदगियों को ज्यादा से ज्यादा असुरक्षित कर रहे हैं। और इसीलिए हम समय समय पर देखते हैं कभी इस क्षेत्र में कभी उस क्षेत्र में उबाल आता है। लेकिन एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे असल में जाना 5 बजे भी मैं कहीं पहुंचना भी था, कि एक बात को आप ध्यान रखिए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि नौकरियां बढ़ेंगी कैसे, कौन सी ऐसी आर्थिक नीतियां हैं जिनकी वजह से नौकरियां बढ़ेंगी, जॉब बढ़ेंगी। और मैं ये कहता हूं, ये एक निश्चित रूप से एक बहस और महत्वपूर्ण बहस का एक विषय है, लेकिन मैंने अपने 40 बरस से ऊपर हो गया मुझे एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट के रूप में काम करते हुए, लेकिन मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि मैंने कभी भी ऐसा कोई पीरियड नहीं देखा जहां किसी सरकार ने सिलसिलेवार ढंग से ऐसी नीतियां उठाई हो जिनसे नौकरियों का विनाश हुआ, जिससे आम लोगों की नौकरियों पर प्रहार हुआ, उनमें से ज्यादातर दलित और अल्पसंख्यक। मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूं, डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट किसके ऊपर हुआ? आम लोगों के ऊपर हुआ, जो छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, जो मजदूरी करते हैं। जीएसटी का इंपैक्ट किसके ऊपर हुआ? छोटे कारोबारियों को हुआ, बहुत छोटे कारोबार, आज भी उनके ऊपर इसका असर हो रहा है। ये जो सो कॉल्ड कैटल ट्रेड, जिसका जो आम तौर से गाय भैंस का जो व्यापार जो हुआ करता था, और जो एक पूरा वैल्यू चेन किसानों के इर्द गिर्द बना हुआ था, जिसमें लेदर ट्रेड, मीट ट्रेड, दुनिया भर के उसमें असंख्य नौकरियां आती थी, और वो असंख्य नौकरियां किसके पास थी, कौन मजदूरी कर रहा था इन क्षेत्रों में? दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, और उसमें किस तरीके से उन नौकरियों पर प्रहार किया गया है और किया जा रहा है। कुंभ के नाम पर 3 महीने के लिए कानपुर के उद्योग को, लेदर उद्योग के लिए बंद कर दिया गया टैनरी को 3 महीने के लिए। कौन देगा उन लोगों की मजदूरी जो इन फैक्ट्रीज में कानपुर में काम कर रहे थे? तो ये पहली बार है कि सिलसिलेवार ढंग से ऐसी नीतियों को लिया गया है जिनसे रोजगार के ऊपर प्रहार हो रहा हो, और मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीर बात है। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां पर कुछ बातें कहने के लिए कहा, और हो सकता है कि इस बातचीत का सिलसिला आगे भी चले।